फ्रेंड्स, आपने पहचाना होगा गाना, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। मैंने ये गाना क्यों बजाया, मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स। जैसा आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, अराउंड 40 के अभी सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। इनमें देश के डिफरेंट पार्ट्स के लोग हैं, साउथ इंडिया से हैं, नॉर्थ इंडिया से हैं, ईस्टर्न पार्ट्स से हैं, वेस्टर्न पार्ट्स से हैं, डिफरेंट रिलीजन के हैं, डिफरेंट कास्ट के हैं, डिफरेंट कम्युनिटी के हैं, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले हैं। लेकिन इस मंच पे आके, हमारे इस चैनल पे आके हम लोग सब एक हो जाते हैं, कोई डिफरेंस नहीं रहता। समझ में नहीं आता कि कोई इस तरह का हमारे बीच लैंग्वेज का डिफरेंस है, कास्ट का डिफरेंस है, रिलीजन का डिफरेंस है। तो ये हम सबको यूनाइट करता है, हमारा ये चैनल सबको यूनाइट करता है, हम सब में खुशी बांटता है और सब में एक एकता लाता है। फ्रेंड्स, जब मैंने शुरुआती दौर में बजाना शुरू किया था माउथ ऑर्गन, तो जैसा मैंने आपसे शेयर भी किया है बहुत बार कि मैं तो खुद ही सीखा हूँ माउथ ऑर्गन, लेकिन सही रूप से मुझे इंस्पिरेशन मिला था जब स्कूल में मैंने एक बच्चे को सुना था बजाते वक्त, और वो बच्चा क्रिश्चियन था। तो उसके पहले भी मैं बजा रहा था, लेकिन सीरियसली मैंने माउथ ऑर्गन लेना शुरू किया उसको सुनने के बाद। वो इतना अच्छा बजाया था स्कूल में वो बच्चा, कि मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला था। तो बच्चा क्रिश्चियन था, तो सही मायने में मेरा जो पहले जो गुरु थे वो एक बच्चा था, वो क्रिश्चियन बच्चा, जिन्होंने मुझे माउथ ऑर्गन के लिए प्रेरित किया, इंस्पायर किया। उसके बाद जब मैं माउथ ऑर्गन सीख गया, बजाने लगा था गाना, तो थोड़ा सा टेक्निक में प्रॉब्लम हो रहा था। तो टेक्निक को सीखने के लिए, कुछ एडवांस टेक्निक सीखने के लिए मैं एक टीचर के पास गया था, उनके पास मैं एक दो महीने सीखा था। तो वो मुस्लिम थे, तो पहला मेरा जो गुरु थे वो देखिए एक बच्चा था, क्रिश्चियन बच्चा, और बाद में मेरे जो गुरु बने जिन्होंने मुझे एडवांस टेक्निक सिखाया था वो मुस्लिम थे। उसके बाद जब मैं लॉ में भर्ती हुआ, मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा था, तो उस वक्त मेरे जो गुरु थे, एकेडमिक गुरु, मेरे जो यूनिवर्सिटी में जो गुरु थे वो थे प्रोफेसर मोमिन, वो मुस्लिम थे। उनके अंडर में मैंने पीएचडी भी किया, तो मेरे सुपरवाइज़र भी बने थे पीएचडी के, तो वो मुस्लिम थे। हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं, डॉक्टर अली, वो भी मुस्लिम हैं। कॉलेज में मेरा एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था मोहम्मद आरिफ, वो भी मुस्लिम था। तो देखिए, और मेरा जो स्कूली पढ़ाई हुआ है वो डॉन बॉस्को बैंडल में हुआ है, यानी कि मैं एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूँ, एक मिशनरी स्कूल में पढ़ा हूँ, जहाँ पे मैंने बाइबल पढ़े थे, जहाँ मुझे बाइबल पढ़ाया जाता था और बाइबल का मुझे बहुत अच्छा नॉलेज हो गया था। तो मेरा देखिए स्कूली पढ़ाई क्रिश्चियन स्कूल में हुआ है, मिशनरी स्कूल में हुआ है जहाँ मैंने बाइबल पढ़ा था। फिर मेरे जो माउथ ऑर्गन के जो गुरु थे, पहले गुरु वो एक क्रिश्चियन बच्चा था, बाद में एक मुस्लिम गुरु मुझे मिले। एकेडमिक में मुझे मुस्लिम एक गुरु मिले थे, प्रोफेसर मोमिन, जैसा मैंने बताया। और हमारा ये जो फैमिली है फ्रेंड्स, हम ब्राह्मण हैं, हिंदू ब्राह्मण हैं, और बहुत ही आप कह सकते हैं ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण। हमारे जो ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडमदर थे, बहुत ऑर्थोडॉक्स थे, यानी कि बहुत स्ट्रिक्टली हिंदू धर्म को फॉलो करते थे। मैं बहुत ही प्रेरित हुआ हूँ अपने ग्रैंडमदर से, ग्रैंडफादर से। बचपन में मैं उनसे गीता सुना करता था, रामायण सुना करता था, महाभारत की कहानियाँ सुना करता था। तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस मेरे ग्रैंडमदर का, ग्रैंडफादर का मेरे ऊपर है। तो मैं भी हिंदू धर्म को मानने वाला हूँ और हिंदू प्रिंसिपल्स को मानता हूँ, स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। और बाद में मैं स्वामी विवेकानंद से बहुत इंस्पायर हुआ था, मैंने किताब भी लिखा हुआ है उनके ऊपर। और अभी जैसा आप जानते हैं, मैं शिरडी साईं बाबा को बहुत मानता हूँ, और शिरडी साईं बाबा ने कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब उनके पास आते थे। अभी भी शिरडी के मंदिर में सभी जाते हैं, सभी रिलीजन के लोग वहाँ जाते हैं और उनको, उनका दर्शन करने जाते हैं। तो मैं जो कह रहा था फ्रेंड्स, हमारा ये जो चैनल का मिशन है, ये सबको यूनाइट करना है। म्यूज़िक चीज़ ही ऐसा है कि सबको यूनाइट करता है। इस मंच पे आके, इस चैनल पे आके सब हम लोग अपना भेदभाव भूल जाते हैं, अपना रिलीजन भूल जाते हैं, अपना लैंग्वेज भूल जाते हैं, सब एक हो जाते हैं और खुशियाँ हम लोग मनाते हैं और बांटते हैं। तो इस चैनल का ये भी मिशन है, आप सबको यूनाइट करना, आप सब में खुशी बांटना, और कुछ पल जो हमारे ज़िंदगी में हैं
उन सबको उन पल को एंजॉय करना और खुशी बांटना। तो मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे इस चैनल के मिशन को, जो कि सबको यूनाइट करना है थ्रू म्यूज़िक, आप मुझे हेल्प करेंगे और आप लोग का साथ हमेशा मुझे मिलता रहेगा। तो जैसा मैं बता रहा था फ्रेंड्स, मेरे लाइफ में सब चीज़ का मिक्सचर है। मैंने हिंदू धर्म के जो बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैंने अपने ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर से सीखे, और फिर बाद में स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ के मैं बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुआ हूँ। फिर मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मुझे जो क्रिश्चियन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं रिलीजन के, वो भी मेरे अंदर आ गए। फिर बाद में जैसा मैंने बताया, मेरे माउथ ऑर्गन गुरु मुस्लिम थे और फिर एकेडमिक गुरु मुस्लिम थे, तो मैं इस्लाम के भी प्रिंसिपल्स, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, मैं इम्बाइब किया हूँ। तो मैंने कुरान भी पढ़ा है, कुरान शरीफ पढ़ा है, मैं बाइबल पढ़ा है, और हिंदू धर्म के, मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू धर्म की किताबें तो पढ़ता रहता हूँ, और गीता हो, रामायण हो, जो उपनिषद हैं वो भी मैं पढ़ता रहता हूँ। मैंने स्पिरिचुअल किताबें भी लिखी हैं कुछ। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स, तो इसी पर्पस से मैंने ये चैनल भी बनाया था कि ये जो मैंने सीखा है अपनी लाइफ में, आपको इस चैनल के थ्रू सबको यूनाइट करना और भारत की जो एकता है इसको और स्ट्रॉन्ग करना और खुशियाँ बांटना। तो मुझे उम्मीद है आप सब मुझे हेल्प करेंगे इस मिशन में। तो अभी तक आप सब ने मुझे मेरा साथ दिया है, उसके लिए थैंक यू, और उम्मीद है कि फ्यूचर में साथ देते रहेंगे। ठीक है, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।